नमो विष्णु पादाया कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, रामाय राम भद्राया रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाया सीताये पतये नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरं आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम्। अयोध्या कांड पर चर्चा चल रहा है। कल हमने चर्चा किया था किस प्रकार से भरत जी के जीवन में भरत जी भगवान राम को लेने के लिए जा रहे हैं, उनको किन किन परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। कल हमने भरत जी के द्वारा फेस की गई तीन परीक्षाओं के विषय में चर्चा किया था। किस प्रकार से जब वो बुआ से मिलते हैं तो बुआ से मिलने के बाद उनको ब्लेम और प्रेस का सामना करना पड़ता है, उसको डील करते हैं किस प्रकार से, हाँ इक्विपॉइज रहकर या उनको इग्नोर रहकर उसके साथ डील करते हैं। फिर उसके बाद भारद्वाज मुनि से मिलने जाते हैं। भारद्वाज मुनि से मिलने के बाद उनका अकाउंटेबिलिटी का टेस्ट होता है। भारद्वाज मुनि जिनको भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का विषय में ज्ञान है, उसके साथ साथ वहाँ पर गंगा की उपस्थिति भी है जिससे ट्रांसपेरेंसी रहती है, और वहाँ पर ऐसे सेजिस भी हैं जो जो कि सच झूठ का इमिडिएटली पता लगा सकते हैं। वहाँ पर उनका अकाउंटेबिलिटी टेस्ट हुआ और इसका अकाउंटेबिलिटी टेस्ट उन्होंने सेल्फ कॉन्फिडेंस से उसको डील किया, और ये पूरा जानते हुए कि मेरी इंटेंशन बिल्कुल प्योर है। फिर इसके बाद छठा टेस्ट जो भरद्वाज मुनि के द्वारा एक माया के रूप में प्रस्तुत किया गया, टेम्पटेशंस के रूप में, जिसे लगभग लगभग सभी अयोध्यावासी उसमें बह गए, लेकिन भरत जी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुए, सोबर बने रहे और अपने गोल को भूले नहीं। तो इस प्रकार से ये हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार से उनके टेस्ट हो रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे भगवान राम और भरत जी के मिलन के विषय में, जब मिलते हैं उनके बीच में क्या चर्चा होती है और किस प्रकार से क्या भरत जी भगवान राम को वापस ले लाने में है मना पाते हैं या नहीं बना पाते, और दोनों के बीच में क्या वार्तालाप होता है, इसके विषय में थोड़ा चर्चा। कल हमने चर्चा किया था भरत जी अब चित्रकूट के पर्वत पर चढ़ रहे हैं और उनको दूर से धुआं दिखाई दे रहा है। धुआं मतलब वहाँ पर कुकिंग होती है, अग्नि है, और तो धुएं को उन्होंने गुंबद समझा मंदिर का, उस मंदिर के नीचे यानी उस गुंबद के नीचे उनके बेटी भगवान श्री राम उपस्थित हैं, तो इसी उम्मीद के सहारे वो चढ़ रहे हैं चित्रकूट पर्वत पे। और चित्रकूट पर्वत के ऊपर माता सीता और भगवान राम है ना, जो कि जंगल का वनों का बहुत साधारण माहौल है, उसमें आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बहुत खुश हैं, उनको इस बात की चिंता नहीं है, इस बात से परेशान नहीं है कि उनकी राजसी ठाट बाट वो पीछे छोड़ कर आए हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ को छोड़ गए हैं, बहुत सारे कंफर्ट्स को छोड़ गए हैं, नौकर चाकर कुछ छोड़ कर आए हैं, ऐशो आराम भोग विलास का जीवन छोड़ के आए हैं, उनको इस बात का कोई चिंता नहीं है, इस बात के मैं बिल्कुल इस बात से परेशान नहीं हो रहे। और जो वन का बहुत नेचुरल प्राकृतिक साधारण सरल लेकिन शांत पीसफुल सीरीन काम ऐसा और सुंदर और पूरा हरियाली से युक्त माहौल है, उसमें वे आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। और वहाँ पर उनका जीवन बहुत सरल है, बहुत सारे कष्टों का भी सामना करना पड़ता है, अभी फैसिलिटीज़ की बात की जाए सब कुछ उनको एक इशारे पर उपलब्ध
मिल जाता था। आप आधी चीज़ें खुद व्यवस्था करनी होती होंगी, सब कुछ लक्ष्मण जी करते होंगे, कुछ खुद भी करना है सभी को एक दूसरे को मिल के। एनीवेज जो भी है, सरकमस्टांसेस बहुत बदल चुके हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी स्थिति में देखा जाए तो भगवान राम अपने आदर्श से हमको बता रहे हैं कि व्यक्ति व्यक्ति के पास ऑप्शन होता है, या तो वो ग्रेटफुल हो सकता है या हेटफुल हो सकता है। तो कब ग्रेटफुल होगा और कब हेटफुल होगा, अगर वह जो उसको प्राप्त हो गया है ना, जो उसके पास है उसके ऊपर वो ध्यान लगाता है तो उसका ग्रेटफुल होना आसान है, और जो उसके पास नहीं है अगर उसकी चिंता करता है, उसके विषय में विचार करता रहता है और उसके पाने का प्रयास करता रहता है तो वो हो सकता है हेटफुल हो जाए। लेकिन जैसे और जनरली ऐसे ही देखा जाता है, एक बहुत ही व्यक्तिवादी व्यक्ति का यही जीवन होता है, जो उसके पास है उसके बारे में कि उसके उसको लेकर भगवान का धन्यवाद कभी नहीं करता, लेकिन जो उसके पास नहीं है उसके बारे में चिंता करता रहता है। जिस प्रकार से हमने वो कहानी भी सुनी होगी 99 का फेर, एक व्यक्ति बहुत संतुष्ट होता है और राजा उसे पूछता है अपने मिनिस्टर से, ये व्यक्ति इतना संतुष्ट कैसे है। बोले संतुष्ट है, अभी कुछ समय बाद देखिए इसके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। उसके घर के बाहर 99 शर्तियों की थैली फेंक देते हैं, स्वर्ण मुद्राओं की थैली फेंक देते हैं। वो व्यक्ति उस थैली को उठाता है, बोलता है भगवान की बहुत मेहर है, भगवान की बहुत कृपा है कि मुझको सोने की अशर्फियाँ प्राप्त हुई हैं। उसको गिनता है 99। बोले ये कैसे हो सकता है, 99 रखने का मतलब नहीं बनता, राउंड फिगर होता है, 100 होनी चाहिए। दोबारा गिनता है फिर 99, बोलता है मैं लगता है ये ठीक से गिन नहीं पा रहा हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो गई है। तो 3 बार गिनता है, 4 बार गिनता है, 99 हर बार। बोले उस व्यक्ति की गलती नहीं हो सकती, लेकिन अब मुझको तो क्या करना है, राउंड फिगर बनाना है। तो एक पाने के चक्कर में उसका पूरा जीवन बदल जाता है। जो 99 उसके पास है उसके लिए धन्यवाद करने की बजाय या उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने की बजाय वो एक को प्राप्त करने में अपना पूरा पूरा जीवन और लगा देता है। तो ऐसे ही होता है, व्यक्ति जो उसके पास है उसके प्रति ग्रेटफुल ना होकर जो उसके पास नहीं है उनकी ज़्यादा चिंता करता है, या जो हो गया है उसके लिए बहुत दुख होता है उसको। जस्ट टू गिव यू लाइव एंड रियल एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को पता हो टीवी के भगवान कौन है, जानते हैं आप सब टीवी के भगवान। तो अभी पीछे रामायण आ रही थी, अगर आप लोगों को बताओ रामायण कभी देखी हो तो टीवी के भगवान के रूप में, वैसे तो असली भगवान भगवान राम है, लेकिन टीवी के भगवान उनका चरित्र निभाने वाले अरुण गोविल को माना जाता है। अरुण गोविल ने भगवान राम का चरित्र निभाया था, इसलिए उनको भगवान राम की तरह ही पूजा जाता है। जहाँ पर भी लोग उनको मिलते हैं उनको भगवान राम कहकर ही प्रणाम करते थे, उनके चरणों में गिर जाते थे, कुछ कुछ को लोग उनका अपना हाथ दिखाते थे कि आप बताइए हमारे कुछ कीजिए। तो उनका ऐसा एक इतना प्रसिद्धि हो गया लोग उनको भगवान राम ही के रूप में देखते थे। लेकिन उनका अपना एक पर्सनल इंटरव्यू है, वो बताते हैं कि इतना प्रसिद्धि हो गया भगवान राम के रूप में और एक्टर के रूप में मेरा करियर तबाह हो गया कि मुझको और कोई रोल नहीं मिलता था। कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर होता था वो मुझको कहते थे आपको क्या दें हम, आपने इतना ऊंचा मकाम हासिल किया है, अब उससे नीचे ही के हैं, हमारे पास उससे ऊपर कुछ नहीं है, तो हम आपको कुछ दे नहीं सकते। तो एक तरह से उनका पूरा एक्टिंग करियर तबाह हो गया। तो अब वो बोले कि इस मेरी जो इमेज बन गई उसको तोड़ने के लिए मैंने बहुत प्रयास किया। अब मैं इंटरव्यू में बता रहे हूँ, उसको तोड़ने का मैंने बहुत प्रयास किया, मैंने ग्रे रोल किए, नेगेटिव रोल किए, और जब मैं वो करता था तो लोग मुझको ये उसको एक्सेप्ट नहीं किया कभी भी। लोग कहते थे अरे राम जी आप ये क्या कर रहे हैं। तो बोले फिर मुझको रियलाइज हुआ, और वो बिल्कुल यही बात बोली उन्होंने कि हमारी मूर्खता होती है कि हमको जो प्राप्त हो जाता है उसमें संतुष्ट ना रहकर हमारे पास जो नहीं है हम उसको पाने की चेष्टा करते हैं। और फिर बोले जब से मेरे को यह रियलाइज हुआ फिर मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया, नहीं तो उससे पहले क्या पूरा अपनी अपनी जो इमेज थी राम के रूप में उसको तोड़ने का बहुत प्रयास करते थे। लेकिन फिर उससे उन्होंने उसके साथ उन्होंने जीवन जीना सीख लिया कि अब ये मेरा इमेज है,
लोग इसकी तरह पूछते हैं तो उसको अब उसको स्वीकार करते हैं वो, तो ठीक है और कोई रोल शायद नहीं मिलता होगा उनको, लेकिन उनके पास ये है, अब ये एक चीज उनको मिल गया। यानी अभी इतनी प्रसिद्धि इतनी प्रशंसा किसी और मतलब बड़े बड़े फिल्म स्टार को भी प्राप्त नहीं होती प्रभु, मतलब लोग जाएं और उनके चरण चरणों में गिर जाएं। हालांकि लोग फिल्म स्टार के पास जाते होंगे, ऑटोग्राफ देते होंगे, साथ में फोटो खिंचाना होते होंगे, लेकिन भगवान राम की तरह पूजा करना ये बहुत साधारण कोई छोटी मोटी बात नहीं है, तो उसको तोड़ना चाहते थे वो। लेकिन फिर उन्होंने बोला, बाद में रियलाइज हुआ कि जो है हमारे पास उससे व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए। ठीक है, वो उनका अपना एक इंटरव्यू है उसमें ये बता रहे हैं। तो जनरली ऐसे ही जब भगवान राम अपने एग्जाम्पल से यही दिखा रहे हैं कि जो उसको जो जो प्राप्त है उसी में संतुष्ट है, जो खो गया उससे उसकी चिंता नहीं करे। तो इस प्रकार से माता सीता और भगवान राम तरह तरह की दिन भर की एक्टिविटीज में अपना दिन बिताते रहते हैं और कुछ ना कुछ इंगेजमेंट रहती है, इंगेज रहते हैं। तभी लक्ष्मण जी उनके पास आते हैं और कहते हैं कि आपकी कुटिया तैयार हो गया, बहुत सुंदर, साधारण लेकिन बहुत सुंदर कुटिया लक्ष्मण जी ने उनके लिए चित्रकूट पर्वत पर बनाई है। और कहते हैं आज रात आपको ओपन में नहीं सोना होगा। तो भगवान राम कहते हैं ठीक है, बहुत सुंदर बनाया, देखते हैं कितने दिनों के लिए इसको इसमें हम रहते हैं, है ना, आगे भी जाना पड़ सकता है, तो उनको पता ही है कुछ समय बाद जाना होगा इसीलिए। और तभी वो देखते हैं कि बहुत दूर से जंगल में बहुत उथल पुथल हो गई है, बहुत सारे हाथी चले आ रहे हैं, यहाँ सभी जानवर डर के भाग रहे हैं, शेर भी इधर उधर भाग रहे हैं। देखते हैं कि दूर से आर्मी चली आ रही है। पूरी बात की पुष्टि करने के लिए आखिर कौन है क्या है, लक्ष्मण जी पेड़ पर चढ़ जाते हैं और पेड़ पर चढ़कर देखते हैं, तो ध्यान से देखते हैं तो फ्लैग जो उनको नजर आता है वो भरत जी का फ्लैग, कोविद्र कोविद्र ट्री। डिटेल्स मैं नहीं बता सकता कि कौन सा ट्री है, बट दैट इज वॉट इज मैंशनड। कि वो देखते हैं, अच्छा भरत भरत, तो तुरंत भगवान हमारे ऊपर शत्रु ने आक्रमण कर दिया है, हमको तुरंत तैयारी कर लेनी चाहिए, हमारे हमारे ऊपर युद्ध, अब हमको युद्ध करने का मौका आया है। वह है ना कि लगता है दुष्ट भरत हमारे से बदला लेने के लिए यहाँ पर आया है, उसकी माता के द्वारा हमको एक गिफ्ट दिया गया है जिसका हमको वनवास का गिफ्ट माता के द्वारा दिया गया है, और अब उससे भी ज्यादा बड़ा गिफ्ट देने के लिए भरत स्वयं जंगल में आ रहा है। ठीक है, और वो हम है ना कैकेयी के साथ मिलकर अपने षड्यंत्र को पूरे तरीके से अंजाम देने के लिए उसने आक्रमण किया है, ताकि हम उस वापसी आकर कभी भी अयोध्या पर कब्जा ना कर पाए। और अभी लक्ष्मण जी नीचे उतर आते हैं और कहते हैं जिसको भी शक्ति प्राप्त होती है उसके साथ यही होता है, पावर करप्ट और एब्सोल्यूट पावर्स करप्ट एब्सोल्यूटली। तो वो ये कहते हैं, और फिर है ना अपने हथियार लेने के लिए भागते हैं कि तैयार हो जाओ तैयार हो जाओ, आज युद्ध का मौका हमारे पास आ गया है। फिर दो चार एग्जाम्पल देते हैं शक्ति के कारण किन किन लोगों का दिमाग खराब हो गया था। बोले अपनी शक्ति के अहंकार में चूर होकर ही तो चंद्रमा ने अपने क्या बोलते हैं बृहस्पति की पत्नी के साथ छल किया था या जबरदस्ती की थी। वेन का एग्जाम्पल हम देखते हैं कि उसका अभिमान हो गया था इसलिए अपनी प्रजा को बहुत परेशान करता था। उसी प्रकार से नहुष का एग्जाम्पल देते हैं, जिसको इंद्र की एब्सेंस में इंद्र बनाया गया तो उसकी पत्नी की तरफ आकर्षित हो गए, ब्राह्मणों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। तो यह शक्ति का ही है, शक्ति या अहंकार, शक्ति या अहंकार में चूर होकर व्यक्ति उसका गलत इस्तेमाल करता है। लेकिन आज भरत को इस बात का पता नहीं है कि आज उनका सामना लक्ष्मण से होने वाला है। अभी चित्रकूट पर खून की नदियां बहेंगी और लाशें ही लाशें होंगी, जानवरों को बहुत दिनों तक खाने पीने की कुछ समय कुछ कमी महसूस नहीं होगी, है ना, और खून का झरना बहेगा। तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं और अपना अपने आप को तैयार करते हैं, वो क्यूवियर बांध लेते हैं, धनुष उठाते हैं, तलवार अपना खंजर पूरा तैयार होकर जैसे ही उस स्थान से मुड़ते हैं बाहर जाने के लिए, तो देखते हैं दरवाजे में भगवान राम खड़े हुए हैं। और जैसे वो कहते हैं ना भगवान ऐसे उनको रोकने के लिए खड़े होते हैं, लक्ष्मण जी समझ जाते हैं कुछ गड़बड़ हो गई है। तो भगवान राम उनको कहते हैं, उनको करेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको बोला क्या बकवास कर रहे हो, ये कोई तरीका है, ऐसे कोई बात करता नहीं। पहले उनकी बात को उनके बाद में जो पॉइंट है, द
गलत नहीं है, लॉजिकली गलत नहीं है कि पावर करप्ट कर दिया, उन्होंने जो एग्जांपल दिए हैं वो भी गलत नहीं है, तो उनको कहते हैं बिल्कुल ठीक बात है। आप जो कह रहे हो कि शक्ति से व्यक्ति का दिमाग खराब हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। आपने जो एग्जांपल दिया है वो शास्त्रों में उसका वर्णन आता है, ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमको ये जानना चाहिए कि ये किन व्यक्ति के साथ होता है। ये उन व्यक्ति के साथ होता है जिनके ऊपर साधुओं का हाथ नहीं होता, जिनके सर पर साधुओं का हाथ नहीं होता, उनकी कृपा नहीं होती, साधुओं का संग नहीं होता जिनके पास, तो उनके साथ बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन हमको ये जानना चाहिए कि भरत वह व्यक्ति है या ऐसे महान चरित्र का व्यक्ति है जो तो हम जो हमेशा साधु संगत के मतलब साधुओं के चरणों में अपने आप को शरणागत करके रहता है, तो उसके अंदर ऐसे भाव कभी उत्पन्न नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि हमेशा वो साधुओं की शरण को स्वीकार करता है, ठीक है। और हमको ये मानना चाहिए कि भरत के चरित्र में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हो सकती। जैसे वो बताते हैं कि अगर कुछ बूंदे जहर की या कुछ बूंदे किसी और पदार्थ की समुद्र के अंदर डाल दी जाएं तो उनका पता थोड़ी ना चलेगा, वो उनको कंटैमिनेट थोड़ी ना कर सकती हैं। उसी प्रकार से भरत का चरित्र भी इतना महान है कि कुछ एक दो इंसिडेंट हो जाए या कुछ हो जाए तो उनके चरित्र में किसी भी प्रकार की कोई कंटेमिनेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक और एग्जांपल के रूप में बताते हैं, ठीक बात है, आप क्या आपकी बात को अगर स्वीकार करें तो शक्ति या पावर किसके समान है, जैसे आज बहुत तेज हवा चल रही थी ना, हर चीज़ को उड़ा देती है, तो बोलते हैं कि बिल्कुल ठीक बात है, वो तेज हवा के समान है जो हल्के पेपर को या कोई पत्ती है उसको तो उड़ा सकती है, लेकिन अगर उसके ऊपर पेपर वेट रखा हो या हैवी वेट रखा हो तो नहीं उड़ा सकती ना। तो भरत के जीवन की अगर बात करें तो वो पेपर वेट या वेट रखा है उनके ऊपर, वो किस चीज़ का है, वो साधु संघ का है, साधु की कृपा का है और उनके द्वारा दिए गए आदेशों का है या उनके द्वारा दी गई सलाह का है, एडवाइस का है। तो हमको बिल्कुल ही निश्चित हो जाना चाहिए कि भरत के मन में ऐसी कोई मंशा भी होगी या ऐसा कोई भाव भी होगा। लक्ष्मण जी को एहसास होता है और वो अपने अस्त्र शस्त्र इधर उधर रखते हैं और फिर वो राम लक्ष्मण और माता सीता कुटिया से बाहर आकर और देखने की कोशिश करते हैं तो उनको दूर से पिताजी का हाथी आता हुआ नजर आता है कि हाँ ये तो पिताजी की राशि हाथी है, लेकिन बोलते हैं शायद पिताजी उस पर नजर नहीं आ रहे और उसके ऊपर जो राजसी छत्र होता है जो कि कैनोपी, वो दिखाई नहीं दे रही। तो क्या कारण है दोनों को समझ नहीं आता, एक दूसरे को सोचते हैं, ठीक है, तो अभी यही विचार कर रहे हैं और इसके बाद ये अपनी, क्योंकि अभी बहुत दूर है वो, तो भगवान राम और माता सीता के साथ मिलके यज्ञ करने लग जाते हैं। इतनी देर में भरत क्योंकि आगे आ रहे थे, वो ऊपर चढ़ाते हैं और भागते हैं, जैसे ही भगवान राम को देखते हैं लुढ़कते हैं, गिरते हैं और तुरंत उनकी तरफ भागते हैं, भगवान राम के चरणों में गिरकर तुरंत उनको प्रणाम कर देते हैं। इतनी देर में शत्रुघ्न भी आ जाते हैं, वो भी भगवान राम को प्रणाम करते हैं। भगवान राम को उम्मीद थी, भगवान राम को पता था कि भरत आ रहे हैं, लेकिन फिर भी भरत जी को पहचान नहीं पाए कि ये भरत ही हैं। उनको बहुत समय लग गया कि भरत हैं, क्यों, एक तो 12 साल के बाद मिल रहे थे और दूसरा भरत जी ने भी साधु का वेश धारण कर लिया था, जटा बना ली थी और पेड़ की छाल के वस्त्र पहन लिए थे, तो उनको पहचान नहीं पाए और उनकी ऐसी दशा को देखकर, भरत जी की आंखों में आंसू देखकर भगवान भी थोड़े से, उनकी आंखें भी थोड़ी सी नम हो जाती हैं। और फिर उसके बाद भगवान राम उनसे प्रश्न पूछते हैं, जो प्रश्न शायद सबको पता तो थे लेकिन जिसका उत्तर कोई देना नहीं चाहता था या जिसको जिसका उत्तर किसी के पास मतलब कोई देने की हिम्मत नहीं कर सकता था। भगवान राम ने पूछा, हमारे पिता दशरथ कहाँ हैं, आप उनको पीछे क्यों छोड़कर आ गए या आप उनको साथ क्यों नहीं लाए, है ना, तो कोई उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा है। अब इसके बाद उनके प्रश्नों का किसी ने उत्तर नहीं दिया तो भगवान राम ने ही अब बात शुरू कर दी, तो किस कैसे बातचीत की, अभी भगवान राम को पता है कि अब ये आए हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट इंसिडेंसीज हुए हैं जो कि बहुत नेगेटिव हैं, जिनमें दुख ही दुख है,
तो वो चर्चा शुरू हो इससे पहले ही भगवान राम ने काम की बात कर ली। तो यानी कि जो चर्चा शुरू होने वाली है, जो टॉपिक है, उसके करने के पहले ही भगवान ने उस नेगेटिव टॉपिक को शुरू नहीं किया, उन्होंने पॉजिटिव डिस्कशन शुरू किया। और आगे के जानते हुए कि भरत जी को आगे 14 साल तक राज्य को संभालना है, क्योंकि वो तो अडिग है, भगवान राम को बताया कुछ भी हो जाए मैं तो जाने वाला हूँ नहीं। तो भरत जी को उन्होंने अभी से ही ये 14 साल कैसे राज्य संभालना चाहिए उसके लिए उनको मंत्र देना शुरू कर दिया, उनको ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, इंस्ट्रक्शन देना शुरू किया। और यही इंस्ट्रक्शंस अगर देखी जाए तो भगवान राम की राम राज्य के लिए इंस्ट्रक्शन बताई जाती हैं, बहुत डिटेल में इनका वर्णन है रामायण के अंदर। लेकिन जिस प्रकार से प्रभु जी ने इनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है, तो वो 5 कैटेगरी मैं आपको बताऊंगा, और उसके भी बहुत सारे सब पॉइंट्स हैं, वो डिस्कशन नहीं करूंगा। आप डिटेल में चाहें तो पढ़ सकते हैं रामायण लेकर, एक एक पॉइंट मैं सिर्फ उसका बताऊंगा समय का जैसा भी हमारे पास है। तो यानी उन्होंने क्या किया कि भरत को जो सेवा करनी है उसके पहले ही उनको ट्रेनिंग दे दिया। अभी बाद में आएंगे नेगेटिव बातें होंगी, सबका मूड खराब हो जाएगा, क्या डिस्कशन की दिशा में चली जाती है, कौन रोने लगता है, कौन ज़्यादा चिल्लाने लगता है, तो फिर समझ काम की बात नहीं हो पाएगी। इसलिए और नेगेटिव नोट से डिस्कशन को शुरू करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो भगवान राम ये बता रहे हैं कि पॉजिटिव नोट पे शुरू करना चाहिए, इसलिए पहले जो कार्य करना था उन्होंने पहले कर दिया। तो 5 सब टॉपिक्स उन्होंने बताए मैनेजमेंट के लिए, एक लीडर के लिए उसको ये 5 टॉपिक्स का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बाकी डिटेल्स फिर कभी चर्चा कर सकते हैं, कभी मैनेजमेंट की चर्चा करेंगे। तो पहला बताते हैं रिस्पेक्ट मैनेजमेंट। तो रिस्पेक्ट मैनेजमेंट मतलब लीडर को अपनी रिस्पेक्ट करवानी चाहिए, खूब सम्मान लेना चाहिए, ये मतलब नहीं है। अपने सीनियर्स का, अपने सुपीरियर्स का, गुरुजन का बहुत सम्मान करना चाहिए, इनका ये मतलब है, और इससे उनके जीवन में शक्ति आएगी। रिस्पेक्ट मैनेजमेंट मतलब सुपीरियर्स का सम्मान करना। तो इसके कुछ प्रश्न के रूप में उन्होंने दिया है, तो उनको बताते हैं। इस बात को जानने के लिए हमको क्या देखना चाहिए कि हमारे जो गुरुजन हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, क्या उनके साथ हम सही रूप से उचित व्यवहार कर रहे हैं, या हम उनको कभी कभी डिसरिस्पेक्ट भी कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देने के लिए इंद्र ने अपने गुरु को डिसरिस्पेक्ट कर दिया है, उनके द्वारा दिया गार्लैंड को एक हाथी को पहना दिया, उसी से सारा, ये 8वें स्कंद में आता है वर्णन, इसी से सारा इंद्र की स्थिति बदल गई, उसके हाथ से इंद्रासन चला गया, और कितने कष्टों का डिसरिस्पेक्ट। तो मैनेजमेंट करने के लिए रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अपनी गद्दी के अहंकार में चूर होकर, शक्ति के अहंकार में चूर होकर कभी कभी हम रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। तो ये एक लीडरशिप पोजीशन में कभी कभी स्किल भी हो सकता है, कभी कभी और कोई फैसिलिटी भी हो सकता है, तो उसके अहंकार में रहकर कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए सीनियर्स का, सुपीरियर्स का, और प्रिसेप्टर्स, गुरु मेंटर्स, हमारे जो गाइड हैं। तो दूसरा बताते हैं डिसीजन मैनेजमेंट। अगर सही रूप से डिसीजन लिया जाता है ना, तो वो उसका सही रूप से लोग पालन करते हैं और उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। तो उसके लिए कुछ क्रूशियल पॉइंट्स बताते हैं भगवान। तो एक मैं बता रहा हूँ कि वो बताते हैं डिसीजन लेने की जहाँ तक बात आती है, तो डिसीजन को अकेले नहीं लेना चाहिए और बहुत ज़्यादा लोगों के साथ भी नहीं मिलकर लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा लोग मतलब टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, इससे भी चर्चा किया, उससे भी चर्चा किया, है ना। तो फिर क्या होगा, सबके अलग झंडे हैं और सबके अलग एजेंडे भी हो सकते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ लोग होने चाहिए, कुछ जैसे राजा दशरथ के लिए 8 मिनिस्टर्स हैं और उनके साथ वशिष्ठ और मानदेव हैं। ऐसा नहीं है कि जितने भी साधु संत हैं सबको इकट्ठा कर लिया, सबकी भीड़ इकट्ठा कर ली, नहीं। लेकिन कुछ लोग जरूर हैं, विश्वास पात्र हैं, मिनिस्टर हैं, उनके साथ जरूर मिलकर, अकेले नहीं। अकेले लेने का मतलब तानाशाही, जो अकेले है ना, माई वे और हाई वे, मेरी बात मानो मेरा मानो, नहीं तो दफा हो जाओ यहाँ से। तो ये तानाशाही ऑटोक्रेट का हो सकता है। लेकिन जो सही लीडर है वो हमेशा अपने साथ कुछ कॉन्फिडेंशियल या ट्रस्टवर्दी लोगों को इन्वॉल्व करता है, उनकी सलाह जरूर लेता है। तीसरा रेपुटेशन मैनेजमेंट। तो रेपुटेशन के लिए बताते हैं, लोग है ना
सुनने से पहले देखते हैं, यानी ऑब्जर्व करते हैं। लोगों का ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो एक्शंस, वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। तो जो एक्शन किया जा रहा है उसको वो पहले जज कर लेंगे, बाद में देखेंगे कि क्या बात की जा रही है, ठीक है। तो बाद में इंस्पिरेशन शब्दों से होता है, पहले इंस्पिरेशन कार्य से, कार्यों से होता है, या एक्शंस के साथ होता है, ठीक है। तो इसके लिए बताते हैं कि अगर रेपुटेशन बनाए रखनी है तो क्या करना चाहिए। ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति का भोग नहीं करना चाहिए, फैसिलिटीज़ का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अगर कुछ सुख सुविधाएं लेनी भी हैं, है ना, कुछ मिलती हैं, राशि ठाट बाट है, राजा के पास फैसिलिटी होती है और उनको वो स्वीकार भी करता है, ऐसी कोई बात नहीं है, तो उसको गलत समय पर स्वीकार नहीं करना चाहिए, उसको गलत स्थान पर स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो जिसके कारण लोगों के मन में शंका उत्पन्न हो जाए, जैसे है ना कि किसी ब्रॉथल में चले गए, किसी ऐसे स्थान पर चले गए जो जो कि सही लोगों के जाने के लिए नहीं है ना। तो ये सब कार्य करना। चौथा बताते हैं टीम मैनेजमेंट। टीम लीडर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको जरूर ये पढ़ना चाहिए, और बताते हैं जब टीम को ग्रेस के साथ मैनेज किया जाता है, ठीक है, और जो जो कि जूनियर्स होते हैं उनके प्रति भी ग्रेटफुलनेस रखी जाती है, तो एक ऐसी टीम तैयार होती है जिसके द्वारा हर समस्या का हल ढूंढा जा सकता है। जैसे टीम के विषय बताते हैं ना, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, लेकिन वो टुगेदर रहने की स्पिरिट कहाँ से आती है, जब सबको एक समान रूप से देखा जाता है, आदर सम्मान किया जाता है, ठीक है। तो बताते हैं कि इसके लिए क्या करना चाहिए, टीम को, टीम सिलेक्शन के लिए लोगों में, ऐसा नहीं है किसी को भी भर लेना चाहिए। तो बताते हैं एक बुद्धिमान व्यक्ति 100 मूर्ख व्यक्तियों से भी से उचित है या श्रेष्ठ है, ठीक है। तो एक एक बुद्धिमान मंत्री इन भी निश्चित कर सकता है कि राज्य को कैसे अच्छे से चलाया जाना चाहिए। तो यानी कि मतलब क्या है, बुद्धिमान लोगों से अपनी टीम तैयार करनी चाहिए, ना कि मूर्खों से अपनी बस भीड़ बढ़ा लेनी चाहिए। फिर आगे पांचवा, करेक्टर मैनेजमेंट। एक लीडर को कई प्रकार के सिंह या पाप से बचना चाहिए, और विशेष रूप से बताते हैं जो सबसे पहला यहाँ पर दिया है कि भौतिक जगत को आध्यात्मिक जगत जितना महत्व देना, ये भी एक प्रकार का पाप है, तो इससे बचना चाहिए। भौतिक जगत सिर्फ 1/4 है आध्यात्मिक जगत का, और टेम्परेरी है, ये आध्यात्मिक जगत के समान नहीं है। और मतलब इसका कहने का क्या मतलब है कि 1/4 है, तो 1/4 अपना वैल्यू करो ना इसको, बाकी 3/4 स्पिरिचुअल वर्ल्ड को करनी चाहिए। हमारा उल्टा होता है, 90% मटेरियल वर्ल्ड को होता है और 10% स्पिरिचुअल वर्ल्ड को कर पाते हैं, तो इसीलिए समस्याएं बनी रहती हैं। लेकिन यहाँ पर ये क्या बताया गया कि एक प्रकार का पाप है ये। तो इस प्रकार से चर्चा करने के बाद भगवान राम दोबारा से अपने प्रश्नों के ऊपर आ जाते हैं, और उनका प्रश्न क्या है कि राजा दशरथ कहाँ है, हमें उनको दर्शन प्राप्त नहीं हो रहे। तो अब भरत जी समझ जाते हैं कि अब मेरे पास कोई और चारा नहीं है, इतने लोगों को दुख दिया है, अब 3 लोगों को और दुख देना होगा। तो उनको बताते हैं कि कौन सा राज्य और कौन से राजा, ठीक है, और कौन से पिता और कौन सा पुत्र, ना राजा है ना उनका राज्य है। राजा भी चले गए और उनके पुत्र सब अनाथ हो गए। भगवान राम जब ये बात सुनते हैं तो जिस प्रकार से मतलब चक्कर खाकर नहीं गिर जाते, माता सीता कुछ उनकी आंखों में पानी डालती है और उनको होश में लेकर आती है। भगवान राम होश में आकर माता सीता को कहते हैं, उनको कहते हैं कि आपके ससुर अब जीवित नहीं है। लक्ष्मण को कहते हैं आपके पिता अब जीवित नहीं है। तो एक तरीके से उनको कह रहे हैं, लक्ष्मण को कह रहे हैं, सीता को कह रहे हैं, अपने लिए कह रहे हैं हमारे पिता। तो भगवान राम यहाँ पर जो एक एक गिल्ट की फीलिंग है उनके उनके ऊपर, और वो अपने लिए देखते हैं कि मेरे पास तो सब कुछ एक तरीके से है, क्योंकि भगवान राम दशरथ जी का प्रेजेंस
देखते हैं लक्ष्मण जी के केयरिंग एटीट्यूड में, और है ना, सीता माता के प्रेम में, भरत के कमिटमेंट में, भूया की मित्रता में, और वशिष्ठ जी के या भारद्वाज मुनि के आशीर्वाद में, इन सब में वो दशरथ जी के रोल को देखते हैं। लेकिन उनको लगता है कि इन लोगों के लिए क्या है, मैं तो इन लोगों के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहा, तो इन लोगों के ऊपर से जो आशीर्वाद था दशरथ जी का वो हट गया है, ठीक है। तो इसलिए हो सकता है कि ये लोग जरूर दशरथ जी को मिस करेंगे, महाराज दशरथ को, इसलिए उनको ऐसा कहते हैं। इसके बाद वे सब मंदाकिनी नदी के किनारे जाते हैं। मंदाकिनी नदी के पास जाकर भगवान राम उनको पिंड दान करते हैं, उनकी श्राद्ध सेरेमनी करते हैं, उनका पिंड दान करते हैं, और उसके बाद दोबारा वहाँ आप उसी स्थान पर वापस आते हैं। तब तक वशिष्ठ मुनि भी माता, तीनों माताओं के साथ ऊपर चित्र पर्वत पर आ जाते हैं, और भगवान राम उनको देखते हैं, तीनों माताओं को प्रणाम करते हैं, वशिष्ठ मुनि को प्रणाम करते हैं, उनको एक स्थान पर, ऊंचे स्थान पर बिठाया जाता है, सब लोग नीचे बैठते हैं। तो अब चर्चा शुरू हो रहा है, जो मेन टॉपिक है। भगवान राम अपने आप ही भरत जी से कहने लगते हैं कि आपको अपने पिता को किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करना, या उनमें किसी चीज़ के, किसी जो भी कुछ हुआ है उसके लिए आपको अपने पिता को दोष नहीं देना चाहिए, ना ही आपको माता केकई को दोष देना चाहिए, और ना ही आपको अपने आप को दोष देना चाहिए। आपको ये जानना चाहिए कि इन सब का कारण तो एकमात्र कर्म है या डेस्टिनी है, भाग्य है, इसके अलावा और का है। और जैसे बताते हैं कि हमको ये सब जानना चाहिए, हम तो इसके आघात में क्या है, कठपुतली के समान है, या शतरंज का बोलते हैं ना, शतरंज के में मोहरे के समान है ना, भाग्य के हाथ में। और हर हमको यह जानना चाहिए कि इस मेरा वनवास आना यह सब पहले से ही या देवी शक्ति के द्वारा निश्चित था। तो भगवान राम कह रहे हैं ना, देव के द्वारा विदित किया गया था, है ना। तो यानी कि इसमें किसका हैंड्स ऑफ गॉड, भगवान का हाथ है। तो भगवान राम खुद ये इतना इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल देख रहे हैं। एक शायद गोविंद प्रभु ने पुस्तक भी निकाली है जिसका नाम है हैंड्स ऑफ गॉड, बहुत अच्छी पुस्तक है, पढ़ सकते हैं उसको। तो हर स्थिति में ये देखना कि उसमें भगवान का हाथ है, यानी भगवान का हाथ देखने का क्या मतलब, सारे कष्ट मेरे जीवन में लाने के लिए भगवान जिम्मेदार है, इसका ये मतलब नहीं है कि भगवान ने कुछ ना कुछ अच्छा कोई लेसन मेरे लिए अरेंज किया है, वो मुझको उसमें से देखना है, ठीक है, क्या मेरे लिए सीख है उसके लिए उसको देखना है। और अगर जो कष्ट है मैं उसको भोगूंगा, क्योंकि वो मेरे अपने कर्मों के द्वारा ही किए गए हैं। और फिर कहते हैं पिता दशरथ की जो मृत्यु हुई वो तो काल के प्रभाव के कारण है। जब भाग्य हमारे साथ नहीं है और समय हमारे हाथ में नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। तो भगवान राम कर्म की फिलॉसफी दे रहे हैं, डेथ भाग्य की फिलॉसफी दे रहे हैं उनको। और फिर दोबारा से इस बात को कहते हैं कि भरत आपको अपनी माता को किसी भी प्रकार के लिए दोष नहीं देना चाहिए, और अपने पिता को भी दोष नहीं देना चाहिए। आपको यह जानना चाहिए माता पिता पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं अपने पुत्र को किसी भी प्रकार का आदेश देने के लिए, कोई भी आज्ञा दे सकते हैं उनको, कुछ भी बात करने के लिए कह सकते हैं। ये नहीं मानना कहना चाहिए ये कैसा आदेश दिया, ये क्यों करने के लिए कह रहे हैं, ये उनका अधिकार है, कोई भी आदेश दे सकते हैं वे माता पिता, ठीक है। और पुत्र का क्या अधिकार है, पुत्र का अधिकार है कि उनमें किसी भी प्रकार का दोष निकाले बिना, किसी भी प्रकार की त्रुटि निकाले बिना, किसी भी प्रकार उसको किसी भी प्रकार से एनालाइज किए बिना उसको पालन करने का प्रयास करें, ठीक है। और फिर अंत में दोबारा कहते हैं, मतलब दोबारा एक ही बात को कह रहे हैं, रिपीटेशन इज नेसेसरी टू ड्राइव पॉइंट होम। भरत जी का चरित्र जानते हैं, वो बार बार अपने आप को कोसेंगे, नहीं मेरे कारण हुआ है। अंत में देखेंगे सब कुछ होने के बाद भी यही कहेंगे। तो और फिर कहते हैं कि अपने आप को भी ब्लेम मत करना, अपने आप को भी दोष मत देना कि ये सब मेरे कारण हुआ है, ठीक है। आपको आपको तो जो ये
हायर पावर्स के कारण जो हमको एक तरीके से निर्देश पर प्राप्त हो रहे हैं उसके साथ अपने जीवन को अलाइन कर लेना चाहिए। और फिर कहते हैं, और मुझसे मुझसे वापस जाकर पिता की आज्ञा उल्लंघन करने का पाप करने के लिए बिल्कुल मत कहना। कड़े शब्दों में उनको कह देते हैं दशरथ जी को, वो सारी भरत जी को पहले ही बता दिया, अभी उन्होंने कुछ बातचीत किया नहीं है तो अभी उनको पहले ही कह दिया। तो अब यहाँ से कह सकते हैं दोनों के बीच में एक टग ऑफ वॉर शुरू होता है, या टग ऑफ लव, या प्रेम के ऊपर वॉर शुरू हो रहा है। अब दशरथ जी को पता है, सॉरी भरत जी को पता है कि ये भावना में बहने वाले व्यक्ति नहीं है। बोले फिलोसफिकली या लॉजिकली आर्ग्यूमेंट में अगर डिफीट कर पाए तो बात है, ये भावना में रहने वाले तो है नहीं, भावना में मानेंगे नहीं, इसलिए वो तैयार होके आए थे। तो वो बोलते हैं कि ये आपसे ठीक है, लेकिन धर्म क्या कहता है आप मुझे बताइए, धर्म क्या कहता है कि आपकी अनुपस्थिति में एक गलत कार्य हुआ, एक पापपूर्ण कार्य हुआ, तो क्या धर्म नहीं कहता कि आपको उसको सही करना चाहिए? तो लॉजिकली बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं वापिस आया हूँ, मैंने देखा है गलती हो गई है तो उसको सुधार करना मेरा धर्म नहीं बनता? बिल्कुल ठीक बात है, धर्म बनता है ना। फिर कहते हैं, माता ने पिता से मेरे लिए राज्य मांगा, माता ने पिता से मेरे लिए राज्य मांग कर मुझे दे दिया, जब राज्य मुझे मिल गया तो मेरा हो गया, अब जब मेरा हो गया तो मैं स्वतंत्र हूँ वो राज्य किसी को भी देने के लिए, तो मैं आपको देता हूँ, आप मेरे से ये अधिकार तो नहीं छीन सकते, मेरा है मैं आपको देना चाहता हूँ, इसमें क्या गलत है? राजा जब मेरा हो गया तो मैं आपको बिल्कुल दे सकता हूँ आपको, और आप इसको मना नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि मैं आपको देना चाहता हूँ, मैं राजा हूँ, मैं आपको देना चाहता हूँ जब मैंने ये निश्चय कर लिया, और यह इसमें किसी प्रकार का कोई पाप नहीं है। बिल्कुल ठीक लॉजिकली बात कर रहे हैं। और फिर बोलते हैं ये कानून की अगर बात करो, धर्म की अगर बात करो, तो उससे भी बिल्कुल ठीक है कि राजा किसी को भी दे सकता है, प्रॉपर्टी है ना, किसी को भी गिफ्ट की जा सकती है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं दे रहा हूँ आपको गिफ्ट के रूप में, और आपको मना नहीं करना चाहिए, आपको इसका भी अधिकार नहीं है। ठीक है, और फिर बताते हैं कि जहाँ तक पिता दशरथ के डिसीजन की बात है, तो उनके डिसीजन को कितना वैल्यू करना चाहिए, उन्होंने मृत्यु के समय एक स्त्री के द्वारा काम से प्रभावित होकर अपने आखिरी समय में एक डिसीजन लिया है ना, और जब वो अपने पूरे होश हवास में नहीं थे, तो उस डिसीजन को कितना वैल्यू करना चाहिए हमको, वो कि बिल्कुल पूर्ण रूप से त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, अब उनके उनकी जब ये बात सुनते हैं तो भगवान राम थोड़े से मुस्कुराते हैं है ना, कहते हैं कि भरत अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है, है ना, यह डिसीजन महाराज दशरथ के द्वारा कि पूरे होशो हवास में लिया गया है, किसी स्त्री के द्वारा काम से प्रभावित होकर नहीं लिया गया, और कम से कम मृत्यु के समय नहीं लिया गया। हकीकत सच्चाई है कि हमारे जन्म से पहले ही यह डिसीजन लिया जा चुका था, उनका विवाह माता केकई से इसी शर्त पे हुआ था। इस बात को महाराज दशरथ जानते हैं और उनके पिता अश्वपति जानते हैं, कि उन्होंने कहा था केकई से जो संतान उत्पन्न होगी उसी को राजा बनाया जाएगा। केकई भी ये बात नहीं जानती, वो भी हैरान हो गई, उसको मन में थोड़ा लगने लगा चलो मेरा डिसीजन इतना गलत तो नहीं है, पूरी गलती तो नहीं है मेरी। और ये बात हालांकि सुमंत्र को भी पता थी तो, और वशिष्ठ जी को, लेकिन वशिष्ठ लेकिन जो भी है वो सोच रहे हैं कि भगवान राम को कैसे पता चल गई, लेकिन अब ये प्रश्न नहीं उठता कि भगवान राम को कैसे पता चल गई, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं लगता, पता है उनको और उन्होंने सबको बताई अभी इस बात को। ठीक है, तो बोले कि ये डिसीजन पहले ही हो चुका है, तो ये तो होना ही था, ये डिसीजन पहले ही हो चुका है, प्रॉमिस पहले ही दिया जा चुका है, तो राजा ने बस समय पर उस अपने प्रॉमिस का पालन किया है, और आपको बताया है इसीलिए इस बात को छुपाने के लिए, इसीलिए उन्होंने राजा अश्वपति को नहीं बुलाया, इसीलिए वो हड़बड़ी में मेरा राज तिलक करना चाहते थे कि यह बात खुल ना जाए, ये बात को छुपाना चाहते थे। जब संतान उत्पत्ति हुई तो उनका भाव बदल गया, पहले प्रॉमिस कर दिया लेकिन अब उनका उनका भाव बदल चुका था, इसलिए इस बात का उनको डर था, इसलिए हड़बड़ी में बिना उनको इनविटेशन दिए आप मेरा राज्याभिषेक करना चाहते थे। और फिर कहते हैं कि अगर जहां तक पिता के निर्णय की बात है वो बिल्कुल सही है और समान है, बोले आपको अयोध्या का राजपाट दिया है,
आप वहां पर राज्य करो, मुझे जंगल का राजा बनाया है, मुझको यहाँ पर राज्य राज्य करना है। आप वहां पर प्रजा की रक्षा करो, मैं यहाँ पर साधु संत और पशु पक्षी और जानवरों की रक्षा करूंगा। ठीक है, हम दोनों को रूल करने के लिए अपना अपना क्षेत्र समान रूप से दिया गया है। ठीक है, आपके ऊपर राजसी सफेद अम्ब्रेला रहेगा और मेरे ऊपर प्राकृतिक हरा अम्ब्रेला रहेगा, तो उसमें क्या है। ठीक है, और जहां तक साथियों की बात है, तो सुमित्रा का एक पुत्र आपके साथ है सेवा करने के लिए, और सुमित्रा का एक पुत्र है मेरे साथ सेवा करने के लिए। उसमें भी बराबर हम पिताजी ने प्रॉपर्टी को बराबर डिवाइड किया है, बिल्कुल समान रूप से किया है। और तो इससे एक बात तो पता चलती है कि भगवान राम के मन में किसी भी बात को लेकर इनजस्टिस की भावना नहीं है, कि हमारे साथ कोई धोखा किया गया है, हमारे साथ कोई अन्याय किया गया है। तो यही ये ऐसे व्यक्ति के चरित्र के लक्षण है जो कि अन्याय में भी न्याय को देख लेता है, यानी कि वो तुरंत क्षमा कर देता है। अगर किसी ने अन्याय किया भी हो तो उसको तुरंत क्षमा 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 कर देता है। अगर बहुत मुश्किल की स्थिति भी होगी उसमें भी वो शांति को ढूंढ लेता है, या अगर घृणा होगी उसमें भी वो प्रेम को देख लेता है, जिस प्रकार से कैकेयी के प्रेम को देख पाए भगवान राम, है ना। तो ये ऐसे व्यक्ति है जो कि जिसके मन में जो किसी के प्रति अपराध नहीं लेता और उनको तुरंत क्षमा कर देता है। ठीक है, तो इसके बाद भगवान राम उनको बताते हैं, ठीक है, कि चार दरवाजे हैं जिससे हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या बताते हैं, चार चार राजे क्या हैं, बोलते हैं शांति, आत्मविचार, संतोष और सत्संग। तो ये चार विचार से हम, ये चार चार दरवाजे हैं या चार गेट हैं जिनसे हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो बताते फिर शांति बताते हैं, शांति कैसे भंग होती है। अगर बहुत ज्यादा इच्छाएं हैं, अनलिमिटेड डिजायर्स हैं, तो शांति भंग हो जाती है। ठीक है, और अगर अज्ञानता है तो आत्मविचार नष्ट हो जाता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा हैंकरिंग है तो संतोष नष्ट हो जाता है, और अगर कुसंग करते हैं तो सत्संग नष्ट हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, इन इन इससे बचने के लिए हमको इन सब का दृढ़ता से पालन करना चाहिए ताकि हमारे लिए सिद्धि के दरवाजे खुल सके। ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सही रूप से इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, और भगवान राम सॉरी महाराज दशरथ के द्वारा दिए गए निर्णय को स्वीकार कीजिए और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। अब हमारे पास उनकी आज्ञा को मानना ही सर्वश्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से उनको कहते हैं, और अगर आप इसी प्रकार से मन में भाव लेकर अयोध्या वापस जाएंगे तो आपके मन में किसी प्रकार की कोई दुख दुविधा चिंता नहीं रहेगी, और आप ध्यान पूर्वक मन लगाकर राज्य को संभाल पाएंगे या उसको चला पाएंगे। और फिर इसमें आप अयोध्या में रहें या फॉरेस्ट यहाँ यहाँ पर रहें, तो इसमें भी किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। मतलब मैं यहाँ पर रहूँ और आप वहाँ पर रहें, तो इसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। तो उनके बीच में चर्चा चल रही है और ये चर्चा का कोई अंत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वो उनके पास अपने आर्गुमेंट है, उनके पास अपने आर्गुमेंट है, ये आर्गुमेंट पीसफुल आर्गुमेंट हो रहा है, फाइट नहीं हो रहा, लेकिन आर्गुमेंट ऐसा लग रहा है कि ये चलता ही रहेगा। तो अब उसको कट शॉर्ट करने के लिए जवाली उठ खड़े होते हैं, है ना। जवाली कहते हैं बस बहुत हो गया। तो जवाली राजा दशरथ की मिनिस्टर के एक मंत्री भी हैं और एक सेंट है ना। तो कहते हैं बस करो, ये बहुत बकवास हो गया, बस करो, ये पागलपन, क्या ये धर्म लगा रखा है, क्या कर्तव्य लगा रखा है, क्या क्या ये स्वर्ग नर्क लगा रखा है, ये सब बकवास है, तुम्हारी बातें सुन सुन के मेरा दिमाग खराब हो चुका है, अब से ये सब बंद करो। अब वो कुछ और बातें कर रहे हैं। आप सबको ये जानना चाहिए जीवन एक यात्रा के समान है, और यहाँ पर सभी सभी व्यक्ति अकेले पैदा हुए थे, है ना। हर व्यक्ति का जन्म अकेले होता है और उसको अकेले ही जाना होता है, और वो व्यक्ति मूर्ख है जो कि अपने साथ वाले संबंधों को बहुत ज्यादा महत्व दे देता है। जो कि एक ट्रेन में यात्रा करते वक्त कुछ समय के लिए यात्री के साथ समय बिताया जाता है और उसको परमानेंट रिलेशनशिप मान लिया जाता है,
तो उस प्रकार की मूर्खता है। अभी स्टेशन आएगा, व्यक्ति उतर जाएगा तो संबंध खत्म हो जाएंगे। जब किसी का पड़ाव आता है तो उतर जाता है, संबंध उसी तरह खत्म हो जाते हैं। या जब यात्रा खत्म होगी, रास्ते में नहीं उतरा, यात्रा खत्म हुई तो तुम अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, तो संबंध परमानेंट थोड़ी ना है। कैसी बातें कर रखी हैं तुमने। बोलते हैं ये हमारा यहाँ पर क्या, हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है। हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हमारे को जो भी असुविधा प्राप्त हुई है उसको खत्म कर देना चाहिए और आनंद, अच्छे से आनंद लेना चाहिए, सुख पूर्वक रहना चाहिए और अपने आनंद को बढ़ाना चाहिए। ठीक है। और जीवन क्या है, जीवन क्या है, जीवन सिर्फ एक मेल सेल और फीमेल सेल के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। ठीक है। तो इसको इसको हमको ज्यादा महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। राजा चले गए, उनके सपने चले गए, उनके वचन चले गए, अब तो कोई है नहीं ना उसको देखने वाला, तो क्या उसके विषय में इतनी बात करना। हमारा नया जीवन है, हमको नए सपनों के साथ जीवन जीना चाहिए। हमारी नई आशाएं हैं, नई इच्छाएं हैं, नए सपने हैं। ठीक है। तो ये जो आनंद प्राप्त करने का मौका प्राप्त हो रहा है उसको हाथ से मत जाने दो। राजपाट मिल रहा है उसको स्वीकार करो, तुरंत राजगद्दी पे बैठो, राजा बनो और ऐश्वर्य का जीवन जियो। ठीक है। और आपका ये मानना कि वो दूसरा जगत भी होता है ये भ्रम है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है। सच्चाई क्या है, सच्चाई हमारे सामने है, बस वही वही सच्चाई है, इसके कुछ नहीं है। ठीक है। और मैं तो उन लोगों के ऊपर दया दया करता हूँ जो लोग धर्म की बातें करते हैं, अपना जीवन धर्म के अनुसार बिताना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो उन लोगों की बहुत प्रशंसा करता हूँ जो लोग अपना जीवन आनंद के लिए बिताते हैं, भोग विलास के लिए, सुख सुविधा के लिए बिताते हैं। जीवन को इतने सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ठीक है। उठो और ये राजपाट को स्वीकार करो जो भरत तुम्हें दे रहे हैं और जीवन को अच्छे तरीके से बिताओ। ठीक है। अभी तक भगवान राम ना ज्वाली की सब बातें सुन रहे हैं, धीरे धीरे उनका गुस्सा बहुत बढ़ रहा है ना। और जब उनकी लिमिट सब्र का बांध टूट गया है तो बहुत गुस्से में भगवान राम अब बोलने लगे। ठीक है। कि तुमने जो भी सब कहा है ना, ये जानना चाहिए ये सब गलत है और ये सब बकवास है। ठीक है। हो सकता है कि तुम्हारे तुम्हारे द्वारा बोले गए शब्द सुनने में बहुत मीठे लगते हों या लॉजिकली बहुत करेक्ट हों, लेकिन वो कैसा है, वो उसको इस प्रकार से जानना चाहिए जिस प्रकार से मीठी गोली के ऊपर जहर को लपेट करके किसी को खिला दिया जाए। ठीक है। और जहाँ तक भोग विलास या आनंद का जीवन व्यतीत करने की बात है, तो ये जानना चाहिए इससे फ्रस्ट्रेशन के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। ये तो उनके कहा भगवान ने। अब उनको जो सबसे महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं वो कि जो उनको वेदास को काट रहे थे, धर्म को काट रहे थे, उसके लिए भगवान आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। ठीक है। कि हमको ये जानना चाहिए कि जो हमको वेदों में निर्देश दिए गए हैं वो किसके समान है, एक लगाम के समान है। और हमारा जो खुला मन है, जो कि अनट्रेंड माइंड है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये लगाम वेदों के निर्देश एक लगाम के समान है जो उसको ट्रेन करने का या उसको काबू में करने का कार्य करते हैं। ठीक है। और अगर कोई वैदिक निर्देश का उल्लंघन करता है या उनको पालन करने से मना कर देता है, तो ये जानना चाहिए उसने अपने मन के आगे घुटने टेक दिए। ठीक है। और अब मन क्या करेगा, अब मन उसको हमेशा गलत दिशा में ले जाएगा। गलत दिशा कहने का मतलब है कि जो आपके अनर्थ हैं, जो लोअर नेचर है, उसी वही उसके प्रभाव में आकर आप उसके अनुसार ही कार्य करो। यानी हर समय अनर्थ प्रकट होंगे या व्यक्ति का लोअर नेचर प्रकट होगा। ठीक है। तो बताते हैं कि वैदिक निर्देश आपको इस बात के लिए मना नहीं करते कि आपको आनंद नहीं भोगना चाहिए, इस बात के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, रेगुलेटेड होना चाहिए। यानी वैदिक निर्देश अनमोनिटर्ड, अनप्रिंसिपल्ड और इररेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन के खिलाफ है। वेदास का पर्पस ही यही है, रेगुलेटेड लाइफस्टाइल जीना चाहिए, उनके अनुसार जीवन जीना चाहिए और हर आश्रम के अनुसार उसके कुछ नियम बताए गए हैं किस कौन से आश्रम में सेंस ग्रेटिफिकेशन किया जा सकता है, कब नहीं करना चाहिए, किस स्थिति में किया जा सकता है, ये सब निर्देश। तो जो उनके अनुसार जीवन जीता है
उसका ये जीवन भी ठीक है, उसका बाद का जीवन भी ठीक है। और फिर कहते हैं कि हजारों लोगों ने, हजारों लाखों लोगों ने इसी प्रकार से वेदों के आधार पर अपना जीवन जिया है, और उन्होंने अंत में सिद्धि प्राप्त की है, और उन्होंने राज्य भी इसी प्रकार से किया है। और तुम्हारी तुम्हारी इतनी हैसियत, भगवान अब बहुत कड़े शब्दों का बोल रहे हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम वह सब बातें कहोगे जो कि सरासर झूठ है। और फिर कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार ही क्या है ना, तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा गुण है जो तुम्हारी बात मानी जाए और वेदास का उल्लंघन कर दिया जाए। ठीक है, फिर कहते हैं मैं जहाँ तक मैं मानता हूँ कि तुम्हारी बात में कोई दम नहीं है, या तुम्हारी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो है ना, अभी लोग भी भगवान राम के द्वारा जब ऐसे आर्ग्यूमेंट सुन रहे हैं, तो वो भी सब लोग एक तरह से हटके हटके बके रह गए, और सबको एक बात तो पता चल गई कि और कुछ हो ना हो, लेकिन एथिज्म भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है, और उसी को भगवान ने बिल्कुल यहाँ पर काटा। अथीस्ट किसको कहते हैं, अथीस्ट है जो वेदास को, जनरली अथीस्ट उसके लिए कहा जाता है जो वेदास या वैदिक इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं करता है ना, बुद्धिज्म अथीज्म है, तो यानी उन्होंने वेदास को डिफाई किया। ये प्राइम डेफिनेशन ली जाती है जो वेदास को नहीं मानता है, नास्तिक व्यक्ति वेदास को, वेदास का उल्लंघन करने वाला। और जैसे ही उन्होंने ये बातें की, तो इसीलिए भगवान राम को बहुत बहुत क्रोध आया, और उनकी सारी बातों को उन्होंने काटा। और जब जबाली के को इस प्रकार से उनके आर्ग्यूमेंट्स को कट किया, उनको डिफीट किया गया, तो उनको बहुत शर्म का एहसास हुआ, और वो तुरंत भगवान राम के चरणों में गिर गए, और अपने मतलब कहने लगे कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं बता दूँ आपको कि मैं बिल्कुल भी नास्तिक नहीं हूँ। ये तो भरत जी के इतना संघर्ष को देखते हुए, माताओं के आंसुओं को देखते हुए मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने ऐसे शब्दों का सहारा ले लिया, मुझे लगा और कोई रास्ता नहीं है शायद इसलिए। तो अदरवाइज आप चाहे तो वशिष्ठ जी से मेरी बात की पुष्टि कर सकते हैं कि मैं नास्तिक नहीं हूँ। तो वशिष्ठ जी भी कहते हैं हाँ ये नास्तिक नहीं है, क्योंकि भगवान राम ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि हमसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है कि आपको मिनिस्टर के रूप में रख लिया गया, आपको तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए था। ठीक है, अब वशिष्ठ मुनि उनसे बातें, भगवान से बातें कर रहे हैं, अब वशिष्ठ उनको लॉजिक में डिफीट करने का प्रयास कर रहे हैं। वशिष्ठ कहते हैं मैं केवल आपका गुरु नहीं हूँ, मैं आपके पिता का भी गुरु हूँ, और आपको मेरे हर निर्देश का पालन करना चाहिए, और अगर आप मेरे निर्देशों का पालन करते हैं तो आपको ये जानना चाहिए कि आप धर्म का बिल्कुल भी उल्लंघन नहीं करें। लॉजिकली देखा जाए बिल्कुल सही है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं अगर मैं आपको आदेश देता हूँ, आपको निर्देश देता हूँ कि राजा बनो, तो आपको उसको तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए, और आपका ऐसा करके आप सिर्फ मेरे प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे, बल्कि इन सारे लोगों के प्रति, अयोध्या वासियों के प्रति भी अपने कर्तव्य का पालन करोगे। भगवान राम लॉजिकली भी बात कर रहे हैं, बिल्कुल लॉजिकली बात कर रहे हैं, कहते हैं कि आपने जो कहा है बिल्कुल सत्य है कि मुझे गुरु के निर्देशों का पालन करना चाहिए। अभी गुरु के रूप में पिता भी हैं, गुरु के रूप में माता भी हैं, गुरु के रूप में गुरु भी हैं, तीनों ही गुरु हैं, और तीनों के निर्देशों का हमको पालन करना चाहिए। लेकिन अब जब इन तीनों के निर्देशन में कॉन्ट्राडिक्शन हो या अलग अलग हो, तो कैसे पालन करना चाहिए? तो बहुत प्रैक्टिकल भगवान राम ये बता रहे हैं, बोले तब उसको ऐसे पालन करना चाहिए जब जिस ऑर्डर में मिला गया है। तो मुझको पहले पिता के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ है 14 वर्ष वनवास में रहना, जो उसका पालन करने के पश्चात गुरुदेव आपको वचन देता हूँ आपके इस निर्देश का जरूर पालन करूँ। तो मुझको ये ऑर्डर सेकंड आपका अब सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर है, उसका तुरंत मैं पालन करूँगा। अब भरत जी भी ये बात सुन रहे हैं, गुरु जी को भी लॉजिकली डिफीट कर दिया, तो अब भरत जी लास्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं। भरत जी कहते हैं अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे ना, तो नहीं हाँ यही सुसाइड करना है, बोलेगा फास्टिंग टिल दैट परोपवेश बोलते हैं, फास्टिंग टिल दैट, यहीं पे कुशा बिठाऊंगा, यहीं पे आवरण अनशन पे बैठ जाऊंगा।
ठीक है, और ना कुछ करें ग्रहण करूंगा, अगर आप वापिस नहीं जाएंगे तो भगवान राम उनको बता दें, देखो ये सब जो कर रहे हो ना ये ब्राह्मणों के करने के लिए, क्षत्रियों को ये सब करना शोभा नहीं देता। ठीक है, अपने अपने इस मिशन को भूल जाओ और अयोध्या वापिस चले जाओ। ठीक है, और फिर भी भगवान राम अब कड़े शब्दों में कहते हैं, ठीक है ना, कि अगर मैं तुमको एक बात का यकीन दिला दूं, ये ध्यान से सुन लो या कान खोल के सुन लो, कि अगर चंद्रमा अपनी रोशनी छोड़ दे, ठीक है ना, अगर हिमालय पे बर्फ जमना बंद हो जाए, या फिर समुद्र अपना किनारा छोड़ दे, लेकिन मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाता हूँ मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा, है ना, क्योंकि वो वचन मेरे पिता का दिया हुआ, पिता के द्वारा दिया गया वचन है, मैं उससे कभी पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि उससे फिर पिता की बेइज्जती हो। अब भरत के पास और कोई रास्ता ही नहीं था, तो अब उनको क्या लगा कि अब आखिरी एक और तरीका अपनाता हूँ, तो जो बाहर सब अयोध्या वापसी आए थे उनके पास चले गए, उनके कहने के लिए देखो देखो मैं तो बहुत प्रयास कर लिया, अब आप लोग आए हो साथ में आए हो, इतना मेहनत किया है तो आपको भी कुछ आर्ग्यूमेंट देना चाहिए, जाओ बातचीत करो उनको, फोर्स करो, जब इतने सारे लोग बोलेंगे तो शायद भगवान बात मान जाएंगे। तो वो सब लोग क्या थे, सब लोग सब बात सुन रहे थे, सभी पूरा डिस्कशन सारे आर्ग्यूमेंट सब सुन रहे थे, तो उसमें से एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में एक सीनियर सिटीजन अयोध्या वासी खड़े हुए बोले कि हम भगवान राम को अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है, हमने उनको अच्छे तरीके से सुना है और अब हमको पूर्ण रूप से विश्वास हो गया है जो वो कर रहे हैं वो उनके लिए भी सही है और हमारे लिए भी सही है। ठीक है, हो सकता है कि जो वो कर रहे हैं उससे हमको थोड़ा सा कष्ट जरूर प्राप्त हो, लेकिन हमको भगवान राम को उनके पिता के द्वारा दिए गए आदेश का पालन करने में बाधा नहीं बनना चाहिए या उनको रोकना नहीं चाहिए। ठीक है, हमको उनके मिशन को पूरा करने देना चाहिए। तो यानी कि उन्होंने एक तरीके से डिसीजन ले दिया कि हम भगवान राम के डिसीजन से पूर्ण रूप से सहमत है। ठीक है, आप भरत जी क्या कर सकते हैं, तो इशारा करते हैं, एक चांदी की थाली में बहुत सुंदर कपड़े से ढकी हुई भगवान राम के लिए सोने सोने से बनी हुई चरण पादुकाएं लाई जाती हैं, वो भगवान राम को पहनाई जाती हैं। भगवान राम देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, लेकिन भरत जी उनसे विनती करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि मैं जानता था कि आप वापस नहीं आएंगे, तो इसीलिए ये मैं ये लेकर आया हूँ, लेकिन आप ये पादुकाएं को राज सिंहासन पर बिठाया जाएगा और इनके माध्यम से मैं राज्य को चलाऊंगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि अगर मैं बैठता हूँ राज सिंहासन पर तो मुझे लगेगा कि मैंने आपको बहुत धोखा दिया है और इस दुविधा से बाहर निकलने के लिए मेरे पास और कोई चारा नहीं है, तो चरण पादुकाएं यानी चरण चिन्ह है ना, या आपके द्वारा दिखाए गए रास्ते के अनुसार मैं राज्य का को चलाऊंगा, पालन करूंगा। ये कहते हैं ना महाजन ये कथा सफल था, जो निर्देश दिया, तो ये सिंबल है, चरण पादुकाएं सिंबल है आपके द्वारा दिए गए निर्देशों के, उनके अनुसार मैं राज्य को चलाऊंगा। उसके बाद भगवान राम दोनों भाइयों से गले मिलते हैं और उनके कान में कहते हैं कि आपको माता केकई से किसी भी प्रकार से गुस्सा मत करना, आप ये वचन दे रहे हैं मेरे सामने और सीता के सामने, कभी भी उनका क्या बोलते हैं निरादर मत करना या सम्मान मत करना, उनका हमेशा सम्मान करना। तो वे दोनों भगवान राम के 3 बार परिक्रमा करते हैं और फिर चरण पादुकाओं को अपने सर पर रखकर चित्रकूट पर्वत से नीचे उतरते हैं। नीचे उतरने के बाद दोबारा चित्रकूट पर्वत की परिक्रमा करते हैं। आज भी मैंने सुना है, आज भी लोग जाते हैं तो चित्रकूट पर्वत की परिक्रमा करते हैं, है ना, तो वो किस लिए, कि कीपिंग लॉर्ड इन द सेंटर, ये एक मतलब है कि भगवान राम को हमेशा केंद्र में रखना, और भगवान राम को केंद्र में रखना मतलब उनके उनकी आज्ञाओं को, उनके निर्देशों को, है ना, उनकी शिक्षाओं को, उनके चरित्र को हमेशा केंद्र में रखते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना, यानी कि और अगर बताया जाए तो जीवन की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी भगवान को बनाना, भगवान राम को प्राप्त करने के लिए
अपने जीवन को अगर मोल्ड करना पड़े तो करना है। बाकी सब क्या है, बाकी सब इतना टेंजिबल नहीं है। टेंजिबल रियलिटी या क्या है, सिर्फ भगवान राम ही है, और उसके बाद है ना वे सब वापिस अयोध्या की तरफ वापिस आते हैं। और भरत जी ने वापसी आकर अयोध्या में नहीं गए, अयोध्या के बाहर ही, अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में एक गांव में कुटिया बनाकर शत्रुघ्न जी के साथ वहीं पर रहते थे, और 14 साल तक एक योगी के, साधु के वेश में रहकर जीवन बिताया, और पूरा निर्देश चरण पादुकाओं से स्वीकार करते थे और राज्य का कार्यभार संभालते थे, और सारा चीज का रिपोर्टिंग उन चरण पादुकाओं को करते थे। हर चीज का, हर डिसीजन का रिपोर्टिंग करते थे। हम भी देखते हैं ना, आज भी, आज आज कल हम मंदिरों में देखते हैं, रिपोर्टिंग किया जाता है, सुबह सुबह रिपोर्टिंग किया जाता है भगवान के सामने, ड्यूटीज को रिपोर्टिंग किया जाता है। तो वो टेम्पल के स्तर पर रिपोर्टिंग किया जा रहा है, लेकिन अपने स्तर पर भी हम पर्सनल रूप से भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, डेली रूप से भगवान को रिपोर्ट दे सकते हैं। तो भगवान वो रिपोर्ट को अगर देते हैं, सुनते हैं, और अगर आवश्यकता पड़ती है तो किसी ना किसी माध्यम से हमको जरूर गाइड भी कर सकते हैं। और जैसे चरण चरण पादुका जैसे सिंबल हैं कि भगवान राम से जो भी उनके, जो भी भगवान राम के संपर्क में आता है वो विशेष तो होता ही है। तो चरण पादुकाएं जैसे हमने डिस्कस किया, बिकेम द रूलर ऑफ अयोध्या, उसी प्रकार से है ना। तो इसी पर जब पादुका के लिए ये सत्य हो सकता है, पादुका मतलब उनके चरणों को स्वीकार किया है उन्होंने ना, तो ये पादुका के लिए सत्य हो सकता है, तो उन व्यक्तियों के लिए भी सत्य होता है जिन्होंने भगवान राम के चरणों को अच्छे से स्वीकार किया है, क्योंकि हमेशा भगवान के चरणों में बैठते हैं। तो भगवान के चरणों में जो बैठते हैं उनको क्या कहा जाता है, प्रभुपाद है ना, उनका प्रभुपाद कहा जाता है। तो प्रभुपाद, तो इसीलिए जैसे पादुका रूल करने के लिए बिल्कुल उचित है, उसी प्रकार से प्रभुपाद अपने डिसाइपल्स पर रूल करने के लिए बिल्कुल सही है, जो अपने डिसाइपल्स को के ऊपर शासन कर सकते हैं। और शिष्य का मतलब यही होता है जिसके ऊपर गुरु के द्वारा शासन किया जा सके, यानी उनको निर्देश दिया जा सके और उनके द्वारा अपने मिशन को आगे बढ़ाया जा सके। तो ये गुरु का असली कार्य है। और क्योंकि गुरु को ये पोजीशन किस लिए प्राप्त होती है, क्योंकि उन्होंने भगवान के चरणों की शरण को अच्छे तरीके से स्वीकार किया गया है। प्रभुपाद जी से ऐसे एक व्यक्ति ने एक बार प्रश्न पूछा कि आप अमेरिका में प्रेसिडेंट बनने के लिए आए हैं, तो प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, मैं प्रेसिडेंट का गुरु बनने के लिए आए, है ना। तो वो बिल्कुल लायक है गुरु बनने के लिए, यानी एक्टिव मैनेजमेंट करने के लिए, लेकिन जब गाइडेंस देने की बात आती है तो प्रभुपाद जैसे महान आचार्यों से हमको गाइडेंस लेना चाहिए, यानी उनके उनके निर्देशों के अनुसार अपने जीवन को बताना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ऐसे ही भरत जी से अंत में एक प्रश्न पूछा गया कि मतलब ये सारा इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये सब जो हुआ इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो भरत जी उत्तर देते हैं, ना मंत्रा ना चा मात्रस्य दोषो ना राजन ना चा राघवस्य मद पाप एव अत्र निमित्त असीत वना प्रवेश रघुनंदनस्य। बहुत सिंपल है, अगर समझेंगे ना मंत्रस्य, इसमें मंत्रा मंत्रा का कोई दोष नहीं है, क्यों, वो तो एक दासी है, एक दासी से और क्या उम्मीद कर सकते हो, छोटी है ना एक दासी, मतलब छोटे लेवल का व्यक्ति है, तो छोटी हरकत अगर उसने कर भी दी तो कौन सी बड़ी बात है, उसे कौन सा आप बहुत बड़ी बात की उम्मीद करते हो, ठीक है। फिर ना मातृस्य, तो माता केकई से, वो माता है केकई है, तो प्रेम पुत्र के प्रेम में अंधे अंधी होकर अगर उसने कोई गलत कार्य कर दिया तो क्या उससे और क्या उम्मीद कर सकते हो, माता से और क्या उम्मीद कर सकते हो कि पुत्र के स्नेह में अंधी होकर गलत डिसीजन भी ले सकती है माता। तो
उनका भी कोई उनका कोई दोष नहीं है, वो तो पुत्र के प्रेम में उन्होंने ऐसा कार्य कर दिया। फिर राजा का कोई दोष नहीं है, क्यों? राजा को कार्य है वचनों का पालन करना, अगर उन्होंने अपने वचन का पालन किया तो क्या गलत किया? फिर बोलते हैं राघव, राघव भगवान राम है ना, उनका कोई दोष नहीं है, एक आज्ञाकारी पुत्र से और क्या उम्मीद कर सकते हो, तो पिता की आज्ञा का पालन करेगा। तो बोले फिर किसका है? मद पाप एव अत्र, सारा का सारा दोष मेरे पापों का है कि जिसके कारण इतने सारे लोगों को कष्ट सहन करना पड़ा। तो जैसे कि हम बता रहे थे ये भरत जी का चरित्र है, इतना सब होने के बावजूद भी, इतना समझाने के बावजूद भी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भरत जी डिप्रेशन में है। यहाँ कहने का क्या मतलब है कि वो ये समझ रहे हैं लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपनी ड्यूटी से वो पीछे नहीं हट रहे, ठीक है ना? तो ये रिपेंट कर रहे हैं, लेकिन रिपेंटेंस का मतलब ये नहीं होता कि व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाए और अपनी साधना ना करे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना करे, अपनी सेवाएं ना करे, अपने हाथ खड़े कर दे, जी मेरे बस का कुछ नहीं है, जी मैं नहीं कर सकता। तो ये उनका चरित्र नहीं है। ऐसा ऐसा किसी को नहीं लेना चाहिए कि भरत जी ने इतना रिपेंट किया, हमको भी रिपेंट करना चाहिए और सब कुछ वहीं छोड़ देना चाहिए। ये चरित्र नहीं है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से अपने निभाया। जैसे कि हमने राज्य को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने शासन किया, और जैसा कल बताया था कि जब अयोध्या को वापस किया तो उसका 9 गुना विस्तार हो चुका था 14 सालों में, ठीक है। और यहाँ पर भरत जी के लिए बताया गया है कि भरत जी ब्लेम एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना, ब्लेम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो जो ये सब हुआ उसके लिए। तो वो बोलते हैं ये बिल्कुल उसी समान है, भरत जी के लिए बिल्कुल उसी समान है जैसे पॉपकॉर्न बनाए जाते हैं ना, पॉपकॉर्न, तो जो मक्का होता है उसको अग्नि पे डालने से पहले वो कैसा होता है, उसको खाया नहीं जा सकता, लेकिन जब उसको अग्नि में डाला जाता है तो बहुत स्वीट हो जाता है, बहुत सॉफ्ट हो जाता है और उसको खाने का आनंद ही अलग है। उसी प्रकार से बोले उनका भी ऐसा ही चरित्र या भाव है। तो जब उन्होंने इस अग्नि रूपी दोष को स्वीकार करते हैं, उनका चरित्र और निखर जाता है, उसमें और निखार आता है। तो ये भरत जी का चरित्र है, भरत जी का ऐसा महान चरित्र है, इसे बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हमको प्राप्त होती हैं। इसके बाद सब वे वापस आ चुके हैं और इसके आगे की कथा, आगे क्या होता है, भगवान राम चित्रकूट में रहते हैं या फिर आगे निकल जाते हैं कि यहाँ पर दोबारा से ये लोग आ सकते हैं, या लोगों को पता चल गया अयोध्या वासियों को कि भगवान ने आप यहाँ पर हैं, चलो घूम फिर के आते हैं, मिल के आते हैं, है ना, अब तो रास्ता तो बन ही गया है, तो वहाँ स्थान पर रहते हैं, आगे चले जाते हैं। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा, ठीक है। सो देयर इज वन इन द माइंड ऑफ वेदास महाराज दशरथ फॉरगॉटन टू इनवाइट किंग एस इंटरफियरेंस बाय डेमी गॉड्स, यहाँ पर लिखा है इंटरफियरेंस बाय डेमी गॉड्स, इस कारण से दशरथ महाराज ने भरत जी को या उनके मामा को नहीं बुलाया भगवान राम के राज तिलक में। तो ये मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने जो पढ़ा वो आपके साथ मैंने शेयर किया, मैं क्रॉस चेक करूँगा, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा। नहीं, ये तो था ही, ये तो है ही, ये तो है ही, इसका वर्णन आता है कि राजा दशरथ प्रॉमिस कर किया हुआ था उन्होंने केकई से, केकई के पिता से ये प्रॉमिस किया हुआ था, इसी शर्त पे उनकी केकई से विवाह हुआ था, नहीं तो वो विवाह करने को तैयार नहीं थे, लेकिन राजा दशरथ केकई की सुंदरता से बहुत आकर्षित थे, बोले कोई भी कंडीशन, ऑल कंडीशन अप्लाई, रेडी टू एग्री ऑल कंडीशन, आई एग्री, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई फुली एग्री विल ऑल द कंडीशंस, है ना। तो उसमें वाले वो चेक बॉक्स पे टिक कर दिया उन्होंने, है ना, तो तभी उनका विवाह संपन्न हो पाया। एनी अदर क्वेश्चन, डाउट, क्लैरिफिकेशन? यस, दे नेवर रिटर्न टू पैलेस, वो नंदीग्राम में रहे, अयोध्या के बाहर रहे और वहीं से राज्य को चलाया अपने मंत्रियों के माध्यम से, लेकिन निर्देश सारे वहीं से देते थे वो, तो आपने एक तरीके से कह सकते हैं ऑफिस उन्होंने वहीं बना दिया।
सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।